हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो ये मेरी फ्रेंड की बेटी जो कि हेयर कट लेने आते रहती है और मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, मैं फोटो लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और ये उनकी बेटी है, नाम बताओ अपना। हाय, हर्षिका नाम है मेरा। हर्षिका, और आज इनका मैं हेयर कट मेक ओवर करने वाली हूँ। हालांकि शॉर्ट हेयर है और इसमें मैं बहुत प्यारा कट करके देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करें अपना प्रोसेस। जी चलिए। तो जब भी आपको शॉर्ट हेयर पे कटिंग करनी हो लेंथ मेंटेन रखते हुए, तो आज का जो प्रोसेस आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वन लेंथ कट कर लेंगे। आप लोग हमेशा कमेंट में पूछते हो कि वन लेंथ पहले करना चाहिए या फिर बाद में, तो ये डिपेंड करता है कि हेयर की लेंथ कैसी है। जैसे इनके शॉर्ट हेयर है ना, तो हम पहले वन लेंथ कंप्लीट करेंगे। और वन लेंथ के लिए हमें हल्का सा राउंड शेप कट करना होगा, बराबर नहीं, सिर्फ सेंटर पार्ट्स को हम इक्वली कट करेंगे। इस तरीके से देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आधा इंच के समथिंग कट करूंगी। राउंड शेप कट करना है तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, डीप में आप जो है सीजर को नहीं चलाओगे, इस तरीके से ग्रिप करना है और आपको हल्का सा ट्रिम बस करना है। ये देखिए, और जहां का हेयर है उसको वहीं पे रख के हम कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा वन लेंथ कंप्लीट। अब टॉप एरिया को बाउंस देने के लिए हम करेंगे बॉक्स पार्टिंग, जो कि मल्टी स्टेप्स के टाइम पे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आपको बॉक्स पार्टिंग करनी है। बॉक्स पार्टिंग मीन्स होता है बॉक्स, जैसे चौकोर, देखिए इस तरीके से। फिर इसी को मेजर करते हुए पीछे लेंगे, और इसी से मेजर करते हुए हम इधर की लाइन को क्रिएट करेंगे। तो ये होता है बॉक्स पार्टी, और इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे 90 डिग्री एंगल। और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे। साथ ही करना है जिगजैग, और नीचे डाउन कर देंगे। कटिंग करने वाले हेयर के साथ में इसको ऐसा मिक्स करेंगे। इसको हम एक साथ उठाएंगे थ्री लेंथ, और इसको हम 90 डिग्री पे पहले डालेंगे मल्टी स्टेप्स, मिक्स करके कट कर रही हूँ। गाइडलाइन निकालना है इस कटिंग करने वाले हेयर के साथ, मिक्स करेंगे, फिर से सेक्शन डिवाइड करेंगे। सेक्शन आप अपने हेयर की थिकनेस के हिसाब से कम ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जितने पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँ उतने भी आप लोग करें। इनके हेयर का जो वो है टेक्सचर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सर्दियों के मौसम में रफनेस आ जाती है, बाकी ठीक है, हेयर हेल्दी है। और इसको हम 90 डिग्री पे कट करेंगे।
अब शॉर्ट हेयर है तो अगर ये छूट रहे हैं तो इसका आप लोग टेंशन मत ले, इसको आप छूट जाने दें। तो ये तो पीछे से मल्टी स्टेप्स हो गया। अब फ्रंट लुक को चेंज करने के लिए हम इसमें फेदर कट ऐड करेंगे थोड़ा डिफरेंट वे में। सामने का थोड़ा शॉर्ट रहेगा चलेगा? हाँ, है ना, बीच मांग से कर देना। हाँ, बीच से ही रहेगा, कटिंग तो बीच से ही होनी है। और फ्रंट का निकालना भी है ना, साइड बैंड्स, हाँ, वो शॉर्ट रखेंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। एक पतली लेयर पहले इसको मैं तो आप सबने देखा ना कि मैं इनसे लेंथ वगैरह सारा डिस्कस कर ली हूँ कि कितना शॉर्ट रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, फेदर कट के लिए कान के जस्ट सामने से पहला सेक्शन में डिवाइड की हूँ और इसे चिन से नीचे लाके कट कर, एक एक इंच शॉर्ट कर रही हूँ मैं। साइड वाले हेयर को भी गाइडलाइन के साथ में मिक्स करते हुए कट करेंगे। और जब भी आप ऐसे शॉर्ट हेयर पे कट करते हो ना, तो आप फ्रंट एंड बैक स्टेप्स विद लेयर कट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या रहेगा कि जब आप स्टेप्स कट के टाइम पे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं काफ़ी हेयर नीचे छूट जाते हैं, तो उसे ना आप लेयर कट में जो है अच्छे से कट कर पाओगे। तो इससे क्या रहेगा कि बहुत ही परफेक्ट स्टेप्स का लुक निकल के आएगा। अदरवाइज सिंपली एक ही कट करोगे तो उससे ना वो जो हेयर छूटेंगे ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपके शेप में। इस वजह से सारी चीज़ें डिटेल में बताते हुए चल रही हूँ कि आपको क्या कैसे करना है। इस तरीके से आपको सेक्शन वाइज हेयर को लेना है, सामने की तरफ लेके जाना है। लेयर कट, फेदर लेयर कट में हमेशा हेयर की जो पोजीशन है वो फेस के सामने लानी होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैं शॉर्ट हेयर कट के लिए बता रही हूँ। अगर आपको लॉन्ग हेयर पे जो है बिना लेंथ रिड्यूस किए फेदर कट सीखना है तो उसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और उससे क्या रहेगा कि लेंथ अगर आपको बचानी है तो थोड़ा डिफरेंट टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं और उसमें आपको ऐसा कट करना है तो उसके लिए आप ये वाला टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। तो सेक्शन आप कम ज़्यादा हेयर की थिकनेस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, पहला कान के जस्ट जो है थोड़ा सा सामने से, फिर कान के ऊपर से, और उसके बाद में जो है कान के थोड़ा सा पीछे से लगभग एक इंच और बढ़ा के। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे, शॉर्ट हेयर में क्या रहता है कि हेयर सामने की तरफ एकदम नहीं जा पाता, तो जितने में आपका हेयर जा पा रहा है, जितना लेंथ तक आ रहा है, आप पोजीशन सेम सीधा रखेंगे सामने की तरफ, बाकी जहाँ तक आ रहा है वहीं पे रख के उसको कट करेंगे। अब ये वाले हेयर को देखिए सामने ले जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि काफ़ी छोटे हेयर है, और ये वाले हेयर स्टेप्स कट के टाइम पे छूट भी गए थे। तो इसको हम कैसे कट करेंगे, इस तरीके से ग्रिप करेंगे, देखिए सामने ऐसा ले जाके ट्रिम कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा, और ये हो जाएगा हमारा कट कंप्लीट, ओके। उसके बाद में हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे, तो पूरे हेयर को एक साथ ऐसा ग्रिप करना है विदाउट कटिंग। आप लोगों ने इनके हेयर लेंथ को देखा हुआ है, काफ़ी जो है हेयर छोटे हैं और अभी इनको थोड़ा सा स्टाइलिश लुक चाहिए था तो मैं ये वाला कट करके दी हूँ। अब एक साथ ग्रिप करेंगे, फिर भी ये जो नेप एरिया वाला हेयर है वो तो छूटेगा ही, तो आप उसको रहने दीजिए। आप सामने की तरफ ऐसा ले जाके उसको थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे ताकि जो जब ये फ्रंट पे अपने हेयर को रखें ना तो उसमें बहुत ही प्यारा सा एकदम स्मॉल स्मॉल टाइप से
स्टेप्स दिखे। सेम टेक्निक हमें इधर भी फॉलो करनी है, सामने की तरफ हेयर को लाना है, इक्वली ट्रिम करते जाना है। हर एक लेयर का जिग जैग जरूर करेंगे, कटिंग करने के बाद में तुरंत आप उसमें जिग जैग कर दें। और इनकी मॉम का भी हेयर कट हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, और आज उनकी बेटी आई हुई है, हालांकि वो नहीं आ पाई क्योंकि वो बिजी हैं अभी स्कूल में, तो ये आज आई हुई हैं, तो आप लोगों के साथ मैं हेयर कट शेयर करी। देखिए ये सामने नहीं आ पा रहा, तो जितना जहाँ तक आ पाया वहीं पर रख के इसको मैं इक्वल ट्रिम कर रही हूँ। साथ ही कर देना है जिग जैग, उसके बाद में कर देना है मिक्सिंग। तो पूरे हेयर को एक साथ ग्रेप करेंगे, तो इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे आप स्टेप्स कट करते हो, शॉर्ट हेयर है तो जो हेयर छूट जाते हैं तो आप उसको लेयर कट में कवर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सिर्फ स्टेप्स कट करके ही छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम यही आएगी कि जो हेयर कट होगा वहाँ तो स्टेप्स दिखेगा, लेकिन जो छूट रहा है उसमें जो है आपके स्टेप्स ऐड नहीं होंगे, तो जो कटिंग का लुक है उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। इस वजह से मिक्स करके आप करें, ओके। चाहे हेयर पतला हो या फिर घना हो, दोनों में आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। उसके बाद में करना है हमें फ्रंट हेयर कट। तो ये चीज़ मैं इनसे पहले ही डिस्कस कर ली थी कैसा इनको रखना है, तो इनको मीडियम शॉर्ट चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बीचों बीच से हेयर को मैं ले रही हूँ, वी सेक्शन डिवाइड कर रही हूँ, ए लाइन भी आप बोल सकते हैं इसको, सामने की तरफ नीचे के साइड में लेके आना है इस तरीके से, और इसे मैं लिप्स के पास से रख के कट कर रही हूँ। तो ये मीडियम लेंथ में आएगा और उसके बाद इसको हम ऊपर की तरफ ले जाके ट्रिम करेंगे इस तरीके से। मैंने पूरी वीडियो तुरंत बोलते हुए बनाई थी, बट बहुत ज़्यादा बाहर की आवाज़ें आ गई थी, इस वजह से उसको मुझे म्यूट करके बाद में फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और इसको भी कंप्लीट करने के बाद देखिए इस तरीके से जिग जैग करके मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। चलिए मैं आपको इनका फेस लुक दिखाती हूँ। तो हेयर कट तो कम्प्लीटली हो गया है, डन। अब आती है ब्लो ड्राई की बारी, तो आप चाहें तो इन कर्ल्स करें या फिर आउट कर्ल्स भी करके दे सकते हैं, तो मैं आपको दोनों लुक करके दिखाने वाली हूँ। मैंने इनके बालों पे जो है ना आउट कर्ल्स करके क्लिप लगा के छोड़ा हुआ है, ताकि ज़्यादा हीट भी यूज़ ना करनी पड़े और सेट भी अच्छे से हो जाए। छोटे हेयर हैं तो आप उसको ऐसी क्लिप लगा के छोड़ दें तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। जबकि मैंने बहुत थोड़े टाइम के लिए छोड़ा, मतलब मैं करके सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ी थी, उसके बाद में ओपन कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला सेटिंग प्रोसेस सीखना है तो मैंने अभी जल्दी ही वीडियो अपलोड की हुई है जो कि सेल्फ में करके बताई हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा। शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की हूँ और फुल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए ओपन करने पे कितना प्यारा लुक निकल के आया है। मैं बिल्कुल भी इसमें कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ नहीं की हूँ, इसीलिए क्लिप लगा के छोड़ दी थी कि थोड़े में ही अच्छे से सेट हो जाए। लेंथ भी देखिए बैक साइड से पूरी मेंटेन है और फुल लेंथ अच्छे से स्टेप्स भी आ गए। और इस टाइप का जो है हेयर कट इन्होंने फर्स्ट टाइम लिया हुआ है, इसके पहले जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा हुआ ना वैसा ही हमेशा इनका हेयर कट रहता था। तो अभी पहली बार मैं कुछ डिफरेंट हेयर कट करके दी हूँ जो कि इनको अच्छा भी बहुत लगा। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ताकि जिनके भी बहुत ऐसे शॉर्ट हेयर है ना तो वो लोग बिना डरे बहुत ही अच्छे से अपना हेयर कट ले पाए। ये देखिए, तो मैं आपको ना आउट कर्ल्स इन कर्ल्स हर तरीके से लुक दिखाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि अगर आप इन कर्ल्स कर लेते हो तो कैसा लगेगा। जैसे ब्लो ड्राई आपने आउट कर्ल्स किया हुआ है ना, तो इसके लिए आपको फिर अलग से इन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कोम यूज़ करनी होगी। अंदर की तरफ आप हेयर को फोल्ड कर दोगे तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से ड्रायर नहीं चलाना पड़ेगा। इस टाइप के हेयर कट का प्लस पॉइंट ये होता है कि आप कैसे भी हेयर को रखें, चाहे ब्लो ड्राई करें या ना करें, मैं आपको फिंगर चला के
और कोम चला के हर तरीके से हेयर कट का लुक दिखा रही हूँ ताकि जो एग्जैक्ट लुक है वो आप लोगों को समझ में आ सके। चलिए फ्रंट लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है। वैसे ये स्ट्रेट पार्टिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये स्ट्रेट पार्टिंग के साथ लुक है। साइड पार्टिंग के साथ भी दिखा देती हूँ कि कैसा दिखेगा। और ये है साइड पार्टिंग के साथ का लुक, कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए, तो ये वाले साइड बैंग्स मैंने इतने शॉर्ट रखे हुए हैं कि फॉरहेड से लेके वो कान तक अच्छे से आएगा। जी देखिए, ठीक लग रहा है, हेयरकट पसंद आया कि हाँ, नहीं? बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम आना है कि नहीं आना? हाँ, बिल्कुल। तो इनको तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और शॉर्ट हेयर में उतना ज्यादा लेंथ भी देखो शॉर्ट नहीं हुआ, कट भी अच्छे से हो गया ठीक। और हेयर कट हो जाने के बाद में अब इनका जो फेस कट है और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगा है। मतलब पहले से ही बहुत प्रिटी थी, बट बोलते ना हेयर कट से काफ़ी मेकओवर हो जाता है। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइज़।